हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से आप लोग ज़रूर अच्छे ही होंगे। तो मैं भी जगन्नाथ जी को प्रेयर करती हूँ आप लोग आप सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा मंडे और आज सोमवार है। सोमवार के दिन तो मतलब अभी हस्बैंड हैं, तो मैं क्या की ना सुबह तो कुछ कर दी और अभी नहाने के बाद और भी कुछ काम करना है। सुबह सुबह तो इतना काम करना पड़ता है और आज ना कपड़े भी वॉश करना है और जो कंबल भी वॉश करना है। तो चलिए मैं हैंकी टक करती हूँ और सीधे किचन और वॉशिंग मशीन में भी कुछ कपड़े भी अभी मैं डाल दी हूँ। तो साफ होगा, बाद में मैं सुखा दूंगी और सुबह में करूंगी तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैं अभी कपड़े को डालती। और आज मैं क्या क्या बना रही हूँ आपको मैं दिखाऊंगी। आधा तो मैं बना दी और आधा है मैं उसको बना दूंगी। तो चलिए मैं इस मेरे पुराने हैंकी के साथ मैं हैंकी टक करूंगी और वो भी कौन से वाला मॉडल टक। तो मॉडल हैंकी टक मैं करूँगी। तो देखिए, सिंपल सा मैं कर रही हूँ, सिंपल। दो तीन स्टेप कर रही हूँ। ना बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, बहुत दो दिन से काल से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो दो हो गया, इसे फ्लैट वाला मतलब सिंपल का कैसे टक करोगे ऐसे में भी अच्छा होगा, इस टाइप का भी रोल रोल टाइप का। सॉरी, मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत पतला मैं पूर्ण करती हूँ। रोल को क्या करती हूँ, तो कैसा है देखिए, हो गया। मैं चलिए किचन चलती हूँ और पसीना भी निकल आया मुझे, कितना पसीना भी निकल आया। मैं किचन चलती हूँ, किचन में कुछ काम है। देखिए, जो वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े मैं डाल दी थी, हस्बैंड का कपड़ा है, उनके कपड़े को डाल दी थी मशीन पे। और देखिए, जो हमारा जो घर की दर में जो लकड़ी लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, जो सफ़ेद आंट कहते हैं, तो जो सफ़ेद चींटी, तो वाइट आंट सफ़ेद चींटी, तो माटी लेकर जाते हैं ना, बारिश के दिन ज़्यादातर होते हैं, उसको नहीं देखोगे तो जो हमारा लकड़ी को भी ना ख़राब कर देते हैं, होल कर देते हैं, तो उसको भी सारे देखना पड़ता है। मुझे पता नहीं कब हो गया था, दो तीन दिन नहीं देखी तो ऐसे हो गया। ऐसे करते हैं, मेरा दो तीन ऐसे द्वार में कर देते हैं। साफ़ कर दी, जो नहाने के पहले मैं कुछ बना दी थी, नहाने के बाद और भी कुछ काम है। और सुबह का टाइम तो बहुत व्यस्त रहना पड़ता है, नाश्ता बना और सब कुछ, जो सब्जी काट कूट के रखो सब कुछ करना पड़ता है। लेडीज़ को कितना काम होता है यार, मुझे भी मतलब मैं भी समझ भी नहीं पा रही हूँ क्यों इतना काम होता है लेडीज़ को। और देखिए, जो कपड़ा तो उसको तो मैं साफ कर दिया, साफ करने के बाद मैं सीधे किचन गई। किचन में हमारे पड़ोसी मेरे छत्तू लाकर दिए थे, जंगल का छत्तू है, वो छत्तू को मैं अभी बनाने वाली थी, तो उसी का मैं भी बना रही हूँ। तो मैं प्याज काट के रख दी थी, उसको जो प्याज को मैं पहले उसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी, पीसने के बाद मैं तो कढ़ाई भी अभी जो गैस पर कढ़ाई चढ़ा दूँगी,
और सारे काम करना पड़ता है और सब कुछ तो लेडीज का, मतलब आज ना हमारा बहुत बहुत सब्जी बनी थी, दाल चावल, मतलब मैं जो सुबह में बनाई थी और जो हमारा बोलते हैं जो केले का फ्लावर ना, केले का फ्लावर का मैं बनाई थी और दाल बना दी थी, और जो हमारा बोलते हैं लॉन्ग बीन्स को भी मैं फ्राई कर दी थी, तो जो छतू ला कर दिए हैं तो उसको भी मैं बना दी, क्योंकि वो नहीं तो ख़राब हो जाएगा, जंगल का छतू है, तो उसको मैं बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, उसको बना दूंगी। और कपड़े भी तो वहाँ धो, जो हमारे ग्राइंड जो वॉशिंग मशीन में धो रहा था, और आजकल बहुत करंट अप डाउन होता है हमारा यहाँ, लाइन जाता है आता है, तो इसीलिए मैं बेकार में क्यों ऐसे रखूँगी। तो यहाँ जो हमारे सब्जी बनी थी, जो छतू का सब्जी, जो हमारा मशरूम छत्तू बोलते हैं यहाँ, तो मशरूम की सब्जी में बना रही थी, और जो कद्दू का फूल उसको भी फ्राई करूँगी। तो उधर बेटी आके मुझे बात कर रही थी, कुछ उसका कुछ एग्जाम ऐसे बोल रही थी, एग्जाम होगा तो मैं क्या करूँगी ऐसा बोल रही थी, तो बात कर रही थी उसकी साथ भी। और देखिए, और साग भी था, और जो करेले के पत्ते हस्बैंड आए थे, तो उसको थोड़ा सा पुई के पत्ते के मिला के उसको साधा सिंपल ही ऐसे लहसुन और मिर्ची के साथ ही मैं करूँगी, कर दिया था। और देखिए, इधर जो हमारा कुत्ता है टॉमी, उसको मैं बांध दी थी, और कपड़े को वॉशिंग मशीन ले आई। देखिए, करंट भी नहीं है ना, इसीलिए लाइट भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाथरूम ले आई, बाथरूम में पानी डाल के ऐसे भी पानी डाल के धोओगे तो अच्छा लगता है। तो मैं जो किचन में काम आधा कर दिया, करने के बाद उसको धो के उसको मैं जो हमारे टेस्ट के ऊपर डालूँगी, इसीलिए मैं धो रही थी। और देखिए, कपड़े को ऐसे जो टक नहीं करोगे तो मतलब जो हमारा भीग जाएगा, इसीलिए मैं कपड़े को ऊपर उठा के टक करती, और जितने कपड़े था उसको धो दिया और लेके। और टेरिस में इतना मतलब बहुत धूप है, मैं जो हमारे मेरे सर पर गमछा डाल के मैं जो टेरिस के ऊपर गई थी, बहुत गर्मी हो रहा था, तो मैं वो जो हमारा रस्सी को मैं बांध रही थी, रस्सी को बांध के रखोगे तो फट जाता है, इसीलिए मैं सूखने के बाद खोल देती हूँ ना, उसको बांध दिया। बांधने के बाद वो जो सारे कपड़े मैं लेके गई थी, और कपड़े को मैं ऊपर सुखा दी थी, और सुखाने तो नहीं सुखाओगे तो देर हो जाएगा, इसलिए फिर भी तो आज का जो उनका पैंट है और पैंट नहीं सूखी इतने देर, मतलब उस टाइम 12 बज गया था, मतलब साढ़े ग्यारह बज गया था, फिर भी नहीं सूखी आज जो पैंट है। मैं बाद में तो भाई सबर दे रही हूँ, और कपड़े को अच्छी तरह से मैं फैला के सुखा दी थी टेरिस के ऊपर, और सुखाने के बाद मैं वो जो किचन का काम बाद में करूँगी। ओहो गाइस, मैं कपड़े सुखाकर थक गई, गर्मी इतना हो रहा था, थक गई। जो हमारा मशरूम जो मतलब जो जंगल का मशरूम है, तो मुझे हमारी जो पड़ोसी ने दिए थे उसको तो मैं बना दिया था, और साग बाकी है, और जो हमारा कद्दू का फूल है उसको भी करना है। चलो अभी तो 12 बज गया, चलो मैं बनाती हूँ, ससुर जी खाएंगे तो जल्दी से 12:30 के टाइम तो खाते हैं ना, ज़्यादा देर नहीं, इसीलिए मैं बनाती हूँ। लेकिन उनको ना वो भी ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाते हैं, तो उनको आज तो बहुत सारा हो गया, बहुत हुआ हमारा घर में, मतलब हमारा तो पैड़ी हो रही है, हमारा पार्टी हो रही है अरे आज, मतलब क्या क्या बनाई मैं आज दिखाती हूँ आपको। चलिए, मुझे दो आइटम करना है, एक साग और एक कद्दू का फूल का बड़ा बनाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा।
अभी है ना इसीलिए मैं रेस्ट ले लेकर मैं कर रही हूँ किचन का काम। कपड़े तो सुखा दी और तो किचन का कुछ काम बाकी रह गया था, तो इसीलिए मैं सीधा किचन चली गई। किचन में जो हमारा जो बाकी का काम साग और जो कद्दू का फ्लावर था उसको मैं बनाने के लिए किचन चली गई। किचन में वो बना रही थी। तो देखिए जो किचन में मैं सीधा चले गई और जो साग था साग को मैं फ्राई कर दिया। ऐसे मैं लहसुन और प्याज और फुटन डाल के और मिर्ची डाल के मैं उसको बना दिया। और जो हमारा कद्दू का फूल है ना, कद्दू का फूल को भी मैं बना रही थी। कद्दू का फूल भी बन गया था। उसके बाद मैं जो कैबिनेट को भी साफ कर रही थी, ससुर जी को दे रही थी भात दाल, काल का मछली था और बरबट्टी भाजी साग, ऐसे मैं उनको दे दिया। देखिए और क्या क्या बनाई थी, साग और जो कद्दू का फूल दाल, और देखिए और जो छत्तू था और जो मशरूम था और केले का फूल का सब्जी बनी थी और ये बरबट्टी भाजी, इतना सारा हमारा बन गया था। कपड़े में अभी जो बर्तन को भी अभी साफ कर रही थी, जो नाश्ता किया हुआ था जो बर्तन पड़ा हुआ था उसको भी मैं साफ कर दी थी। और साफ करने के बाद ओके फ्रेंड्स चलिए, मैं तो मेरा किचन का काम हो गया। मैं थोड़ी देर बाद हम लंच करेंगे, हस्बैंड आएंगे तो हम लंच करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए बाहर भी कितना धूप है, देखिए बहुत सारा धूप है। ओके आजकल बहुत टायर्ड मैं हो जाती हूँ। ओके फ्रेंड्स अभी मैं रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।